असलम एवरी वन वेलकम बैक टू इंशाज मामला आइफ़ जी कैसे हैं आप सब मैं ठीक हूँ अलहमद जी आज है ब्रेकफास्ट की छुट्टी ब्रेकफास्ट आज नहीं बन रहा है क्योंकि हस्बैंड है मेरा है रोज़ा तो मैं कुछ करने वाली हूँ और आपसे करती हूँ बातें बाद में मुझे टू मिनट्स दें ताकि थोड़ी सी मैं क्लिनिंग कर लूँ जी तो मैंने कहा चलो साथ साथ में आपसे थोड़ी सी करने के बाद मैंने कहा आपसे बात कर लेती हूँ कि आज मेरी आवाज़ में भी थोड़ा सा लगेगा कि एनर्जी नहीं फील हो रही आ, लेकिन आ, मैं फुल कोशिश कर रही हूँ यह है कि मैं रात को कुछ खाना भूल गई थी गर्स कि सुबह रिलइज़ हुआ अलार्म बंद करके सो गई थी और अक्सर अपने पास रखती हूँ लेकिन सुबह रिलइज़ किया वो नो मैंने वाटर भी नहीं पिया है कुछ खाया नहीं है तो फिर भी मैंने बस रोज़ा रखा है क्योंकि आपको बताया ना जैसे कि उबैदला हुआ था तब रोजे मेरे लास्ट ईयर के रहते थे एंड इस ईयर के भी रहते थे कुछ लास्ट ईयर के थे आई थिंक फाइव और टेन समथिंग और इस ईयर के भी कुछ थे तो वो मैंने पूरे करने इन तो शॉर्ट डेज हैं तो ईजी रख हो जाते हैं बस सोचा कि ज़्यादा कुछ ना से लेकिन आ, थोड़ा सा तो कुछ ना कुछ करूँ तो मैंने कहा चलो स्टेज वगैरह ही टाड़ी क्लीन कर लेती हूँ जी तो मैंने सोचा आपको छोटा सा टूर करवा देती हूँ अपने किड्स के रूम का हाँ किड्स के रूम का क्या है ये रियल वैसे इंश्रा का और देखे सही कि किस किस का है तो जी इंटर हो चुके हैं और साथ में ग्रे बिन है वॉल्स के साथ पेंट के साथ मैच की हुई और ये डेस्क इंश्रा का नो 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 ये इंश्रा का नहीं ये है ये स्मॉल ऑफिस है हस्बैंड का क्योंकि जब से लॉकडाउन हुआ है तो वो घर से ही सारा काम हैंडल कर रहे हैं एंड घर से ही सारा काम कर रहे हैं तो इनकी लॉकडाउन की करबनवाजी है वैसे डेस्क वगैरह हमारे पहले था अपना अपना पर्सनल जैसे हस्बैंड सारा अपना मेन घर का बिल वगैरह जो सब कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैंडल करते हैं तो उन्होंने कहा था चलो डेस्क इनशा यूज़ कर लेगी तो लैपटॉप वगैरह बस चाहिए तो जो बड़ी वाली थिंग्स थी वो हमने सारी सेल कर दी थी क्योंकि नहीं चाहिए थी लेकिन क्या पता था कि हमें दोबारा ये सब करना पड़ेगा अच्छा स्क्रीन स्क्रीमोनीटर चेयर वगैरह कुछ थिंग्स कंपनी की तरफ से है मेन उन्होंने भेजी हैं कि हमारा काम करना आप लोगों ने तो थोड़ा से यहाँ बना लिया चलो हमने कहा जब तक है ठीक है नहीं तो डेस्क फिर बाद में इंशरा भी यूज़ कर सकती है सो नो प्रॉब्लम जी तो यहाँ पे वॉल पे है जी टी एंड नीचे है ड्रॉर ये ड्र मैं फिलहाल तो बैद के लिए यूज़ कर रही हूँ अच्छा इसके रूम का पेंट कलर है जी ग्रे ये ग्रे है क्योंकि पहले यहाँ पे बड़े दिन लॉ था मेरा जो कि अब चला गया है तो इसलिए ग्रे में है तो हमने कहा चलो बच्चों के रूम चेंज वगैरह करते रहना है शायद उबैदुल्ला को मिलेगा तो क्या चेंज करना है इशरा के लिए तो उसने भी कहा था कि ठीक है पापा नो no प्रॉब्लम जी ये यह यहाँ पे ये ड्रॉर है ये टीवी के नीचे रखा हुआ है कि ताकि कोई बंदा चीज़ भी रख सकता है या कुछ डेकोरेशन तो इसको मैं उबैदुल्ला की थिंग्स के लिए यूज़ कर रही हूँ मीन इस पे टॉयस हैं लोशन हैं उसके जो एंड हैंड एंड फीट प्रिंट फ्रेम है तो इस तरह से उसके लिए ये ड्रॉज़ यूज़ करी हूं और उसके अंदर क्या है मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी और इसके साथ ही मीन जो इस तरह के ट्रैवलिंग बैग्स हैं उबैदुल्ला के बेबी एंड कुछ बेबी आ, मीन फुल वाले सूट हैं वो इस तरह से मैंने इसमें रखे हुए हैं सेट किए हुए हैं तो आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगी इस तरह से इसको रिकॉर्ड किया हुआ है ताकि ये नाइस लगे एंड साथ में जी ये लाइट है जो कि बटरफ्लाई वाली है और अंदर लाइट है और बटरफ्लाई का मीन टच दिया हुआ है इसमें तो बहुत ही नाइस लगती है और साथ में ये क्लॉक है और ये क्लॉक है जी मैंने लिया था बी एम से एंड ये मुझे बहुत अच्छा लगा था लेकिन थोड़ा सा मुझे डिफरेंट मिला क्योंकि जो मैंने पहले लाइक किया था वो था ये और था और यहाँ पे इसकी साइड टेबल ये टेबल वैसे मेरे रूम की है तो फ़िलहाल यहाँ पे रखी हुई है क्योंकि वहाँ पे स्पेस नहीं थी तो यहाँ पर बास्किट नाइसी रखी उसमें मैंने उसकी स्टोरी बुक्स सेट की हुई हैं और इस तरह से बेड और यहाँ पे जो आपको पिंक नेट नज़र आ रहा है नेट इसकी स्टार्ट से है और मैंने कहा इसको वेस्ट क्यों करनी है इसको मैं यूज़ में लाती हूँ इस तरह से लगा के ऊपर हैंग करके रूफ में तो उसमें मैंने स्टार लगा दिए एंड मेन उसकी लेड लाइट वो ऑन करके रात में अपने ड्रीम के साथ रात स्पेंड करती है तो पीछे वॉल पे मेन वॉल पे लेड लाइट बिग लेड लाइट साथ उसमें स्मॉल सी क्लिप्स के साथ उसकी फ़ोटोज़ मैंने ऐड की हुई हैं रेनबो बल्ब्स के साथ जो वो रात को ऑन करती है तो बहुत अच्छा लगता है व्यू बहुत नाइस लगता है इस छोटे छोटे आइडियाज़ के साथ छोटे छोटे क्लिप्स के साथ रूम का पूरा व्यू ही चेंज हो जाता है तो ये उसके छोटे से प्यारे से स्माइली क्लिक्स हैं जो मैंने इस तरह से इसमें हैंग किए हुए हैं और मुझे बहुत प्यारे लगते हैं आई फेवरेट फेवरेट वॉल एंड साथ में जी यहाँ पे क्लोजेट तो अपनी शक देख चुके हैं दो क्लोर टू क्लोजेट है रूम में एक मेरे लिए यूज़ होती है मैं आपको दिखाऊँगी इनशाला और एक इनशा की और यहाँ पर विंडो है जी पिंक कर्ल्ट से एंड स्टार में ये इसके पापा ने और मैंने चूज़ किए थे एंड साथ में जी टैडी बियर से यहाँ पे पड़े और ये वॉल्स हैं इन पर ग्लीटर के साथ मैंने इनको मीन रेमबो कलर इन सब को पसंद है तो रेमबो के साथ मीन इनको, इनको मैच किया था ग्लिटर शाइनी सा बनाया था समथिंग डिफरेंट साथ में यहाँ पे उबैदुल्ला का टॉयलटरी बॉक्स एंड होम टॉय इंशरा का इस तरह टेडी बियर्स हैं इस तरह से एंड टॉय बॉक्स है यहाँ पे मिन टॉयज भी हैं एंड कुछ थिंग्स हैं जो एक्स्ट्रा वो मैंने यहाँ पे रखी हुई इसमें साथ में उसके ड्रेसिंग टेबल है इंशरा का एंड साथ में उबैदुल्ला के क्लोज है तो इतना तो देख के आपको समझ में आ गया होगा कि ये रूम कम्बाइन है मीन उबैदुल्ला के सम थिंग्स हैं और हाफ इंशरा की हैं मीन इंशरा की ज़्यादा है मैं कंबाइन किया हुआ दोनों का क्योंकि फिलहाल तो यहाँ पे ये टेबल है साइड टेबल इंस्टा का स्टार लाइट के साथ एंड यहाँ पे मैंने प्लेन प्लास्टिक लेके इसके नीचे फ़ोटोज इस तरह से रखी हुई हैं मेरा आइडिया सो मुझे ये भी बहुत पसंद है साथ में जी मार्ट है बटरफ्लाईज़ का वैसे जो मेरा बेड साइड टेबल होते हैं वो आपने नोट किए होंगे कि प्लेन से हैं क्योंकि मुझे प्लेन ही अच्छे लगते हैं मुझे ड्रॉज वगैरह वाले बिल्कुल अच्छे नहीं लगते आ, बंदा आ, खुला नाइस स्पेस के साथ कुछ रख तो सके एंड इसके साथ जो इस रूम में इंशा का ड्रेसिंग टेबल है वैदुल्ला की क्लोज है एंड टॉय बॉक्स है एंड ड्रॉर वाला है वो हमने आई के से लिया था और बहुत ही चीपेस्ट एंड नाइस प्राइस पे मिल गया था तो जी इस रूम का व्यू देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इस रूम का कम्बिनेशन एंड टच बटरफ्लाइज एंड रेनबो कलर्स एंड पिंक कलर के साथ दिया गया है जो कि गर्ल्स को बहुत ही पसंद होता है और बस इसी का वेट जरूर तो बताइएगा मेरा किड्स रूम आपको कैसा लगा और यहाँ मैं बना रही हूँ सिंपल नाइस सा हेल्थी डिनर कोई ज़्यादा हैवी या कोई कुछ खास नहीं बना रही हूँ क्योंकि पास्ता भी लेफ्ट ओवर पड़ा है एंड ये भी लेफ्ट ओवर दाल पड़ी थी जो मूंग दाल है एंड इसमें फुल ऑफ फ्लेवर रेडीमेड तो ये थोड़ी सी ये मेरी फेवरेट नहीं है ये है फेवरेट हस्बैंड की तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे गर्म करेंगे इसको आ, आ, मिक्स करते रहेंगे ताकि ये स्टिकी ना हो साथ में मामूल की तरह मेन डेली रूटीन की तरह वेजिटेबल्स स्टीम होने रख दिए मैंने और साथ में मैंने डे थोड़ा सा कीमा बचा के रख लिया था एंड उसमें स्पाइस वगैरह डाल के जो कुछ मैंने ऐड करना था ग्रीन धनिया या चिली या टमाटो वगैरह ऐड करके मैंने इस तरह से पेपर बेकिंग पेपर पर इसको अच्छे से स्प्रेड करके कबाब की शेप देके इसके ऊपर लाइट सा ऑयल स्प्रे करूँगी या ऑयल स्प्रे करूँगी और जी ये जाएंगे ओवन में तो हमारा हो जाएगा हेल्थी डिनर रेडी जैसा कि आपको पता है आजकल मैं थोड़ा सा डाइट वाली साइड पे आई हूँ डाइट तो नहीं कह सकते डाइट कंट्रोल कह सकते फुल डाइट नहीं मैं कर रही हूँ डाइट कंट्रोल कर रही हूँ कि थोड़ा सा वाइज कर दिया है एंड मीठा बहुत कम कर दिया है एंड मी नो टू मच शुगर एंड नो टू मच स्पाइस नो टू मच फिज ड्रिंक समझी वो तो पहले भी मैं नहीं लेती लेकिन फिर भी बस पोर्शनवाइज कर दिया इस तरह से ये हो गया यहाँ हस्बैंड का रेडी थोड़ा सा पास्ता और दाल और वेजिटेबल के साथ और साथ में मेरे कबाब एंड वेजिटेबल रेडी हो रही है जी ये हैं जी साथ में मेरे कबाब हो गए रेडी विद वेजिटेबल ये है जी आज का हमारा हेल्थी डिनर इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे एंड अपना ख्याल रखिएगा आपको क्या अच्छा लगता है ये क्या आपके पास मेरे लिए कुछ माइंड में आपके क्वेश्चंस हैं तो कमेंट सेक्शन मुझे जरूर बताइएगा इसके साथ इजाजत